hello everyone good morning today we are discussing about new one lecture in this video lecture we are focused on the topic of fish preservation in this video we are learn about introduction of fish preservation principle of fish preservation and the different types methods of preservation सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फ़िश प्रिजर्वेशन मछलियों के संरक्षण का परिचय मछली का मांस मुख्य रूप से खनिज और विटामिन के साथ साथ प्रोटीन बसा और पानी से बना होता है मछली प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत है क्योंकि ये आसानी से पचने योग्य होती है यानी कि मछलियों में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको हम आसानी से पचा सकते हैं इसके अलावा मछली का जो मांस होता है उसमें आयोडीन फॉस्फोरस और कई सारे विटामिन पाए जाते हैं विटामिन जैसे बी ए और डी इनका प्रचुर मात्रा में स्रोत होता है लेकिन भले ही यह खाद्य सामग्री बहुत ही मूल्यवान स्रोत हो यह जो मछली का मांस होता है वो जल्दी से विघटित हो जाता है भारत में इसकी उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के साथ साथ बहुत ही अधिक समस्या है क्योंकि गर्मी और नमी इसका जो मांस होता है उसको खराब होने के लिए प्रेरित करती है बढ़ावा देती है जल्दी से सड़ जाता है विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और उसको डाइजेस्ट कर देते हैं जिसके कारण इसमें सड़न और गंध उत्पन्न हो जाती है खपत का स्थान आमतौर पर लैंडिंग या पकड़ने वाले स्थानों से दूर होता है यानी कि हम स्टोर करने के लिए दूसरे स्थानों पर लेके जाते हैं तो उसमें समय लग जाता है जिसके कारण इनका परिरक्षण नहीं हो पाता है और इनमें सड़न और गंध उत्पन्न हो जाती है और हमारा जो भोजन है मछली का वो खराब हो जाता है इसलिए इसका विपणन या तो सुरक्षित स्थितियों में हो या जल्द से जल्द हो ताकि इसको अपघटन से बचाया जा सके यानी कि सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय बना करके उसको कम समय में तुरंत उसको उपयोग किया जा सके और सड़ने से या विघटन से बचाया जा सके पीरियड्स के दौरान बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं और संरक्षित की जाती हैं ताकि जो अदर टाइम पीरियड्स में उनको हम उपलब्ध करा सके यानी कि एक दो दिन बाद में या तीन दिन बाद में या किसी अन्य स्थान पर इसको हम बेच करके वहाँ उसको हम उपलब्ध करवा सकें ऐसी स्थितियों को बनाए रखने के लिए हमें फिश प्रिजर्वेशन की आवश्यकता पड़ती है ताकि जो फिश है उसका जो फ्लैश होता है वो सुरक्षित और ताज़ा रहे और खाने योग्य बना रहे अब बताए मछलियों के संरक्षण के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ़ फ़िश प्रिजर्वेशन जिन सिद्धांतों पर संरक्षण या प्रिजर्वेशन निर्भर करता है उनमें वे कारक शामिल होते हैं जो मछलियों के खराब होने का कारण बनते हैं यानी ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण आपका जो फिश का फ्लैश है वो जल्दी खराब हो जाता है उन सभी कारकों को हम इसमें इंक्लूड करते हैं यदि पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जाता है तो खराब होने को कम से कम किया जा सकता है इसलिए संरक्षण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित कदम उठाने जाने चाहिए यानी कि हम पूर्ण तरीके से तो उसको सुरक्षित नहीं रख सकते लेकिन इतना हम प्रयोग या हम विधियों को उपयोग करके उस मांस को या मछलियों का जो मांस होता है उसको कुछ हद तक हम सुरक्षित रख सकते हैं ऐसी तकनीकों और विधियों को हम उपयोग कर सकते हैं उनमें देखते हैं कौन कौन सी विधि है तो सबसे पहली जो विधि आती है वो क्लीनिंग यानी सफाई इसका मतलब है कि मछलियों को दूषित होने और अस्वस्थ या अस्वच्छ स्थिति से खराब होने से रोकना लैंडफिशेज शरीर के साथ साथ इसकी जो आँत होती है या शरीर की जो कुआएँ होती हैं उनके साथ साथ इसकी जो सतह होती है उस पर कई प्रकार के, के रोगाणु सूक्ष्म जीवाणु विशेष रूप से बैक्टीरिया को साथ में लेकर के जाती है हैंडलिंग के दौरान गंदगी गंदे पानी या गंदे हाथों से भी कॉन्टामिनेशन होने की काफ़ी अधिक संभावना होती है खराब सैनिटरी या स्वच्छ पर्यावरण की स्थिति और मछली की लापरवाही से निपटने विशेष रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में खराब होने की गति में बहुत वृद्धि होती है तेज़ी से वृद्धि होती है कैप्चरिंग के दौरान जैसे कोई मछली को चोट लग जाती है या मछली के गलने के कारण मछली का खून बहने लगता है और खून के धब्बे छोड़ना उसके कारण उसमें अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं बैक्टीरिया फंगस वो वहाँ पर पनप जाते हैं और उनके कारण बदबूदार स्थिति उत्पन्न हो जाती है इसलिए मछली की सफाई बहुत ही आवश्यक होती है और अगर हम मछली को पूर्ण तरीके से साफ कर लेंगे तो उसको हम ख़राब होने से कुछ हद तक बचा कर रख सकते हैं सुरक्षित रख सकते हैं इसलिए हैंडलिंग के सभी स्तरों पर स्वच्छता की स्थिति हमेशा बनाए रखनी चाहिए ताकि हम उसको ख़राब होने से बचा सके यानी कि कहने के बाद ये है कि जैसे ही हम फिर इसको कैप्चर करके लेके आते हैं तो तुरंत उसको साफ़ सुथरी जगह पर ले जा के और वहाँ पर ऊपर की जो सतह है उसको तुरंत साफ़ कर लेना चाहिए ताकि उस पर जो विभिन्न प्रकार के जीवाणु या और सूक्ष्म जो जीव लगे हुए हैं उनको हम हटा दें ताकि उसको हम खराब होने से बचा सके सेकेंड मेथड आती है रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेशन यानी कि कोल्ड स्टोरेज हो गया एक तरीके से आपका इसका मतलब है कि तापमान को कम किया जाना रेफ्रिजरेशन का मतलब यानी तापमान को कम करेंगे तापमान को कम कर देंगे तो इसके अंतर्गत जो ऑटोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं उनकी क्रियावृद्धि रुक जाएगी और हम जो मछली का फ्लैश है उसको हम बिगड़े होने से या सड़ने से बचा सकते हैं तापमान इतना कम हो गया हो कि जो ऑटोलाइटिक एंजैम्स हैं उनकी गतिविधियों को हम कम कर सकें और जो उसकी सरफेस पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन की गति को हम धीमा कर देंगे तो हम मछलियों को सड़ने से बचा सकते हैं सत्ताईस से लेकर के बत्तीस डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है उस पर ऑटोलाइसिस यानी विघटन की स्वय विघटन की जो क्रिया होती है क्योंकि उसमें एंजेम्स पाए जाते हैं तो जो जीवाणु होते हैं वो तेज़ी से इसका विघटन कर देते हैं लेकिन सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो एंजाइम होते हैं उनकी जो क्रियाविधि होती है वो धीमी पड़ जाती है और ए ऊर्जा स्रोत है ये तो ए के बजाय केवल ए ही एंड प्रोडक्ट होता है यानी कि जो जीवाणु होते हैं उनमें एंजाइम की जो क्रियाविधि है वो छः डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कम हो जाएगी संदिमित हो जाएगी जिससे वो ए ऊर्जा का उपयोग ना करके ए ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो उसमें समय अधिक लगता है और एंजाइम की क्रियाविधि धीरे धीरे कम हो जाती है आठ डिग्री सेल्सियस तापमान जो रहता है यानी फ्रोजन स्थिति की हम बात करें ठीक है ओनली आई एम पी यानी कि आइनोसिल मोनोफॉस्फेट ये भी एक ऊर्जा का स्रोत होता है तो जब 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है तो उस दौरान एंजाइम की क्रियाविधि रुक जाती है और ऊर्जा के रूप में विघटन के द्वारा आई को यूज किया जाता है कम तापमान न केवल एंजाइमेटिक गतिविधियों को सीमित करता है बल्कि जो बैक्टीरिया होते हैं सूक्ष्म जीवाणु जो रहते हैं उनके विकास को भी रोक देता है माइनस डिग्री सेल्सियस तापमान पर बैक्टीरिया के कई जो उपभेद होते हैं दूसरे स्ट्रेन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं जिससे स्टोरेज उनकी स्टोरेज डेथ हो जाती है यानी कि उस टाइम माइनस फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है उस पर किसी भी प्रकार के जीवाणु होते हैं सूक्ष्म जीवाणु होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं उनकी क्रिया पूर्णतः संतमित हो जाती है और मछली का जो मांस होता है उसको हम बिघटेते या सड़ने से बचा सकते हैं तीसरी मेथड आती है हाई टेम्परेचर मेथड यानी उच्च तापमान पर गर्मी या ताप जो रहता है वो ऑटोलाइटिक एनजेम को विघटित कर देता है जैसे आपने अभी देखा अनुकूलतम जो तापमान होता है वो सत्ताईस डिग्री सेल्सियस से बत्तीस डिग्री सेल्सियस जो तापमान अगर हम उनको उपलब्ध कराएंगे तो वो अनुकूलतम तापमान होता है इस तापमान पर अधिक से अधिक सूक्ष्म जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं उनमें एंजाइमेटिक जो लाई क्रियाएँ होती है वो तेज़ी से चलती हैं जिसके कारण जो मछली का मांस है वो तेज़ी से विघटित हो जाता है यदि हम इस तापमान को कम कर दें जैसे रेफ्रिजरेशन कंडीशन में किया या फिर हम उसको अधिक बढ़ा दें तापमान को उच्च कर दें तो हम जो मछली का मास है उसको विघटित होने से या सड़ने से हम बचा सकते हैं टेम्परेचर की रेंज एक डिग्री सेल्सियस से 121 डिग्री सेल्सियस पर सात किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से अगर हम भाप का प्रेशर बनाकर देंगे तो इस टेंपरेचर पर ताप और दाब दोनों एक साथ काम करेंगे तो जितने भी सूक्ष्म जीवाणु होंगे यहाँ तक कि जो सूक्ष्म जीवाणु के स्पोर होते हैं वो भी पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं और अगर हम इस तरीके से हाई टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो मछली को हम खराब होने से या सड़ने से बचा सकते हैं विघटित होने से बचा सकते हैं यहाँ तक कि जीवाणुओं के जो स्पोर होते हैं जो कि जीवाणुओं के मुकाबले अधिक रेजिस्टेंट होते हैं यानी कि जो बैक्टीरिया होता है वो 100 या 110 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर मर जाता है लेकिन इसके जो स्पोर होते हैं वो 100 डिग्री से भी अधिक टेम्परेचर को सहन कर लेते हैं और लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं तो उनको नष्ट करना भी अति आवश्यक है क्योंकि उनको जैसी अनुकूल परिस्थिति मिलेगी तो वो जीवाणु अंकुरित होगा नया जीवाणु बनाएगा और हमारी जो फेस है उसको दोबारा से स्पॉइलेज कर देगा तो इसलिए टेम्परेचर हमारा प्रेशर के साथ में 121 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा तो स्पोर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा इस प्रकार इस सिद्धांत का अनुप्रयोग खराब होने के सभी अवसरों को रोक देगा और लंबे समय तक हम संरक्षण को सुनिश्चित करने में हम बहुत अधिक प्रभावी हो जाएंगे यानी कि हम इसका जो फ्लैश है उसको लॉन्ग टाइम तक हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं फोर्थ मेथड आती है डिहाइड्रेशन निर्जली निर्जलीकरण निर्जलीकरण का मतलब है कि हम किसी भी जगह से वाटर का जो स्रोत है उसको हम कर कम कर दें रिड्यूस कर दें और डिहाइड्रेट बना दें तो ये कहलाता है हमारा डिहाइड्री निर्जलीकरण निर्जलीकरण का अर्थ है पानी निकालना जो कि मछली की, की गुणवत्ता और अवधि दोनों तो को बनाए रखने में उपयोगी है बैक्टीरिया की वृद्धि और गुणन के लिए नमी बहुत फायदेमंद होती है यानी कि जितने ज़्यादा अधिक नमी होगी वहाँ जीवाणु या सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि करने के चांसेज उतने ही ज़्यादा अधिक होते हैं तो इस प्रकार यदि हम उस पानी को वहाँ से निकाल देंगे तो वैक् जो बैक्टीरिया है या सूक्ष्म जीवाणु है उनको अनुकूलतम परिस्थितियाँ नहीं मिलेंगी और उनको हम एक तरीके से रिमूव कर देंगे और मछली को सड़ने से बचा सकते हैं यदि पानी की सामग्री को हटा दिया जाता है तो यह बैक्टीरिया सर्वाइवल को बहुत मुश्किल बना देता है यानी कि जीवाणु जीवित नहीं रहेगा और यहाँ तक कि उन्हें मार भी देता है इस प्रकार के इलाज करके निर्जलीकरण किया जा सकता है इसके अलावा निर्जलीकरण करने के लिए हम एल्कोहल या कई प्रकार के प्रिजर्वेटिव्स भी यूज़ करते हैं जिनकी सहायता से जो पानी होता है उसको सौंख लिया जाता है और सेल्स को या जो आपकी मछली जो रहती है उसके मांस मांस को हम निर्जलीकृत कर कर करके सुरक्षित रख सकते हैं और सूक्ष्म जीवाणुओं से विघटित होने से हम बचा सकते हैं अब आता है साल्टिंग यानी कि लवण लवण देखो ये एक प्रकार की परासरण की क्रिया है है न एंडोप्लाज्मोलाइसिस होता है क्योंकि जब हम नमक की सांद्रता बढ़ा देते हैं तो जहाँ भी जो जीवाणु होते हैं उनमें एंडोप्लाज्मोलाइसिस होगा यानी कि उनका जो जीवद्रव्य कुंचन की क्रिया होगी जीवद्रव्य कुंचन होने के कारण वो मर जाएंगे और मर जाने के कारण हमारा जो मछली का मांस है उसको हम विघटित होने से बचा सकते हैं नमक परासरण द्वारा मछली के ऊतकों में नमी को हटाता है और आगे यह है ऊतकों में प्रवेश करता है और नमक की जो सांद्रता है उसको एक सेचूरेटेड पॉइंट तक बनाए रखता है बढ़ा देता है उच्च नमक की जो एकाग्रता होती है कॉन्सेंट्रेशन की उपस्थिति जो होती है वो ऑटोलाइटिक एंजाइम्स को नष्ट कर देती है यानी जब प्लाज्मोलाइसिस की जब क्रिया होती है तो उसमें जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सेल से बाहर निकल करके आ जाते हैं और वो इनिबिट हो जाते हैं एक्टिविटी नहीं करते हैं जिसके कारण जीवाणु की जो भी गतिविधि होती है चाहे वो मल्टीप्लिकेशन की हो या मेटाबॉलिक रिएक्शन हो किसी भी प्रकार की जो गतिविधि होगी वो सारी की सारी गतिविधियाँ आपकी रुक जाएंगी जीवाणु अपने गुणन को धीमा कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा स्पोर फॉर्मेशन के लिए मजबूर हो जाएंगे वो और कई रोगाणुओं और जीवाणुओं को इस प्लाज्मो या एंडो प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया के द्वारा यानी हम साल्ट को बढ़ा करके कॉन्सेंट्रेशन अधिक रख के हम जो जीवाणु होते हैं उनकी गतिविधियों को रोक देंगे मल्टीप्लिकेशन को रोक देंगे जिसके कारण वो वृद्धि नहीं कर पाएंगे और हमारा जो मछली का मांस है उसको हम विघटित होने से बचा सकते हैं कई जीवाणु और रीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है क्योंकि नमक उन पर बसेले प्रभाव टॉक्सिक इफ़ेक्ट डालता है विशेष रूप से हेलोफोबिक वाले जो बैक्टीरिया होते हैं दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं एक तो हेलोफे होते हैं और एक हेलोफोबिक होते हैं हेलोफिलिक का मतलब है जिनको नमक जीवित रहने के लिए आवश्यक हो और दूसरे जिनको यानी कि नमक की जो सांद्रता होती है उससे डर लगता हो यानी कि वो उनके लिए एक प्रकार से इफेक्ट डालेंगे और वो जैसे ही नमक की सांद्रता अधिक जाएगी तो उन पर साइड इफ़ेक्ट होगा वो तुरंत डेस्ट्रॉ हो जाएंगे और हम फिश का जो फ्लैश है उसको हम स्टोरेज होने से बचा सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक उसको हम स्टोरेज करके रख सकते हैं तो ये ऐसी मेथड है पांच जैसे क्लीनिंग है रेफ्रिज्रेशन है हाई टेम्परेचर है इसके अलावा आपका डिहाइड्रेशन हो गया और साल्टिंग हो गया ये जो मेथड है फिजिकल मेथड के अंतर्गत आती है भौतिक विधि है इन भौतिक विधियों का हम उपयोग करके फिश प्रिजर्वेशन को लॉन्ग टाइम तक बना के रख सकते हैं विघटित होने से बचा सकते हैं उसको और नए स्थानों पर हम उसको ले जा करके बेच सकते हैं रख सकते हैं